गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आप सभी के जो भी दीपावली के जो भी विशेष आप लोगों ने भेजे हैं, बहुत उन सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, आपका यही प्यार और यही विश्वास जो है वो हमें और ज़्यादा एनर्जी और ऊर्जा का काम करता है। तो एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले के वीडियोस में हमने कुछ टर्म्स देखी थी, है ना, कि वर्गी की जो टैक्स उसके सिस्टम से होते हैं ना, उनके सिंबल से होते हैं, उनको हमने अच्छे से देखा था। स्टूडेंट्स, इस फिफ्थ चैप्टर का, है ना, इस फिफ्थ चैप्टर का एक आखिरी जो पोर्शन है वो है टैक्सोनॉमी, जिसको अपन कहते हैं, या यूं कहूं कि एक प्रारूपिक या एक प्रारूपिक प्रारूपिक कह सकते हैं पुष्प का पुष्पी पादप का अर्ध तकनीक विवरण। देखिए दोस्तों, ये वो टॉपिक है जिसको आप टैक्सोनॉमी कह सकते हैं, है ना, वर्गीकरण कह सकते हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जो पादप कुल हैं, फैमिलीज हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहूंगा, इस टॉपिक को स्टार्ट करवाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि हमने एक टॉपिक किया था जिसमें सिंबल्स थे अपने, है ना, जिसमें काफी सारे सिंबल्स थे। उन सिंबल्स को एक बार मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा इस तरीके से, ये रहा। दोस्तों, हमने बात की थी कि अगर आपको ये सिंबल्स एकदम अच्छे से याद है तो आपको इस जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। तो उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम पुनः उसको रिपीट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप जब टॉपिक को करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए दोस्तों, ये किसी भी पादप फैमिली को बताने के लिए सिंबल है ना, प्रतीक चिन्ह है। जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना, केमिस्ट्री में आप देखते हैं हाइड्रोजन को एच लिखा जाता है ना, जैसे कार्बन को सी लिखा जाता है। तो आपको कहीं पर भी अगर ये सिंबल लिखा मिल जाए तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कार्बन है या ये ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से दोस्तों, अपने को पहले ये सिंबल्स पता होना चाहिए। जैसे अगर बीआर की बात करें तो बीआर का मीनिंग होता है सहपत्र युक्त पुष्प, है ना। अगर गोल है उसके बीच में प्लस का निशान है, इसका मीनिंग क्या होता है, त्रिज्या सममित, यानी कि पुष्प को आप किसी भी एंगल से कट करें उसके बराबर पीस बनते हैं। प्रतिशत का निशान हो तो इसका मतलब है एक व्यास सममित, अर्थात पुष्प के दो इक्वल पार्ट हो सकते हैं, है ना, एक व्यास सममित कहते हैं। इसी तरीके से बाह्य दल पुंज को के से लिखा जाता है, दल पुंज को सी से, कैपिटल सी से लिखा जाता है। इसी तरीके से पुमंग को आपके ए से लिखा जाता है, और जो जायांग है जो कि पुष्प का मादा भाग है इसको जी से लिखा जाता है, है ना, हमने अच्छे से देखा हुआ है। अब इसमें भी दो वैरायटी थी, दो ऑप्शन थे कि अगर बाह्य दल पुंज के सभी बाह्य दल, है ना, ईच एंड एवरी जो सेपल्स है वो अगर फ्री हो, अलग अलग हो, तो हम इस तरीके से लिखते हैं, और मान लो अगर ये जुड़े हुए हैं तो उनको ब्रैकेट में इस तरीके से लिखा जाता है, राइट। तो इनको क्या कहा जाता है, संयुक्त बाह्य दलीय अगर सारे जुड़े हुए हो, पृथक बाह्य दलीय यानी कि सारे अलग अलग हो। तो दोस्तों, इन सिंबल्स में ही पूरा वर्णन छिपा रहता है, तो इन सिंबल्स को हमें बहुत अच्छे से याद करना है। तो इसके लिए दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं कि इनको आप 2 से 3 बार 4 बार 5 बार लिखे कॉपी में, है ना, रफ कॉपी में लगातार इसको देख करके लिखें, और जब आपको एकदम अच्छे से याद हो जाए देन एक बार पुनः आप इसको बगैर देख करके लिखें। तो ये इसका बेस्ट पैटर्न है याद करने का। तो जब अपने को ये सारे सिंबल्स एकदम अच्छे से समझ में आ जाता है तो दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं कि ये जो टॉपिक है बहुत इजी है, और पेपर में इसमें से एक क्वेश्चन आप 200% देखोगे। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि क्रूसीफेरी पादप के पुष्प सूत्र लिखिए, है ना, और
उसका वर्णन कीजिए। तो इन्हीं सिंबल्स की, इन्हीं सिंबल्स की प्रतीक चिन्हों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पूरा एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसको फ्लोरल फॉर्मूला कहते हैं। इसकी हेल्प से हम डायग्राम बना सकते हैं जिसको फ्लोरल डायग्राम कहते हैं। एंड देन इन दोनों की सहायता से पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र, इन दोनों की सहायता से हम उस टॉपिक को आराम से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सिंबल्स है एक बार हम फटाफट इसको फिनिश कर लेते हैं। तो देखिए, पुष्प के आगे कई बार लिखा रहता है वर्णन में, हम लिखते हैं पूर्ण अपूर्ण, है ना, यानी कि कोई एक भाग इसमें अब्सेंट अगर है तो वो अपूर्ण है, और अगर सारे भाग है, सभी चक्र मौजूद है, तो उनको पूर्ण पुष्प कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कैलिक्स भी होगा, कोरोला भी होगा, एंड्रोशियम भी होगा, गायनोशियम भी होगा, सारे भाग मौजूद होते हैं। और अगर इनमें से कोई भी एक आधा नहीं हो तो उसको इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो सिंबल है त्रिज्या सममिति का, ये एक व्यास सममित, सहपत्र हमने बात की हुई है कि जैसे मान लीजिए पुष्प है, पुष्प के चारों ओर छोटी सी लीफ नुमा, है ना, छोटी सी एक लीफ नुमा स्ट्रक्चर और होती है बाही दल के भी नीचे, है ना, तो बाही दल के भी नीचे एक छोटी सी लीफ की तरह स्ट्रक्चर होती है, तो वो उसको लिखा जाता है बी आर, और यदि नहीं है तो ई बी आर, राइट। देन बाही दल जो पुंज होते हैं कैलिक्स को कैपिटल सी, जुड़े हुए है तो ब्रैकेट में और अलग अलग है तो बगैर ब्रैकेट के। ठीक इसी तरीके से दलपुंज यानी कि आपकी कोरोला, कोरोला को आपने कैपिटल सी से लिखा जाता है। टोटल जो पेटल्स हैं यानी कि दलपत्र, जुड़े हुए हैं तो ब्रैकेट में और अलग अलग है तो बिना ब्रैकेट के, क्लियर। देन पुमंग जो कि एक पुष्प का नर भाग होता है, मेल पार्ट होता है, उसको कैपिटल ए से लिखा जाता है। अब इसमें भी सेम वही चीज है कि ये जो पुंकेसर है, स्टेमन है, जुड़े हुए हैं या अलग अलग है, राइट। अब इसमें पुंकेसर में एक कंडीशन और मिल जाती है, कई बार पुंकेसर दल के साथ जुड़े रहते हैं, है ना, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, इसको कहते हैं दल लग्न। क्या कहा जाता है दोस्तों, दल लग्न, दल लग्न पुंकेसर, दल लग्न पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, दल लग्न पुंकेसर, तो इसको इस सिंबल से लिखा जाता है कि ए और जो सी है उसके ऊपर इस तरीके से कैप की तरह इसको डिनोट करते हैं। देन गायनोशियम यानी कि जायांग, फीमेल पार्ट है, मादा भाग होता है, इसको लिखने के इस तरीके से तीन कंडीशंस होती है, हमने अच्छे से बात की हुई है कि यदि एक पुष्प में ओरी, देखिए थोड़ा सा मैं यहां और ऐड करना चाहूंगा, अंडाशय है ना, यहां किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, अंडाशय को, अंडाशय यानी कि ओवरी जो है ना, तो ओवरी अगर सुपीरियर है तो जी को लाइन के ऊपर लिखा जाता है, यदि इंफीरियर है तो लाइन के नीचे लिखा जाता है, और यदि हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर है यानी कि ऊर्ध्ववर्ती और अधोवर्ती है ना, अर्ध, तो उसको बीच में लाइन लिखा जाता है, क्लियर। और ठीक इसी तरीके से इसमें भी वैसा लिखा जाता है कि जो कार्पल्स की संख्या कितनी है, कार्पल्स यानी कि अंडप, वही अंडप अगर अलग अलग है बीजान तो बिना ब्रैकेट के, और यदि जुड़े हुए हैं जिसको कहते हैं संयुक्त अंडपी, है ना, सीन कार्पस, तो उसको आपके ब्रैकेट में इस तरीके से, जैसे 5 है, ठीक है, जी के ब्रैकेट में 5 और इस तरीके से, तो ये इनके लिखने का क्या है दोस्तों, ये इनके लिखने का आपके तरीका होता है। तो एक बार मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करूंगा मेरे प्यारे साथियों कि इन सभी सिंबल्स को हमें जहन में रखना है, एकदम अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब इन्हीं की सहायता से अब हम हमारा जो टॉपिक है उसकी, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और वो टॉपिक है अपना एक जो कुल है या फैमिली है, उन फैमिली का वर्णन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक उदाहरण से हम बात करते हैं, देखिए अपने बात कर रहे थे ना दोस्तों कि वो जो सिंबल्स अगर हमें अच्छे से याद है तो हम इस टॉपिक को एकदम अच्छे से कर सकते हैं। तो हम एक उदाहरण लेकर के देख रहे हैं, ठीक है, जो आपके सामने है। देखिए दोस्तों, ये जो एक डायग्राम है वो एक हमारी फैमिली है पौधों की, उसका नाम है क्रूसीफेरी। क्या नाम है दोस्तों? क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी यानी कि ब्रेसिकेसी। देखिए दोस्तों,
क्रूसीफेरी जो पौधे का जो समूह है ना, ये जो कुल है, उस कुल में कई प्रकार के पौधे आते हैं। तो इसको हमारे यहाँ सिलेबस में एक उदाहरण के रूप में दिया गया है, तो उसका डिटेल से अपने को देखने की कोई नीड नहीं, बट फिर भी हम इसको पूरा एकदम अच्छे से बात करेंगे। देखिए दोस्तों, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, राइट। तो क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी जो पौधा है, या यूं कहो कि पौधे की जो फैमिली है, उसमें कई प्रकार के पौधे आते हैं, और मुख्य रूप से दोस्तों इसमें आता है आपके सरसों। उदाहरण की बात करें तो उसमें आता है सरसों का पौधा। क्या आता है दोस्तों? सरसों, यानी कि मस्टर्ड। तो सरसों को इस फैमिली का एक एग्जाम्पल के रूप में, एक मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसलिए इसको सरसों कुल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको सरसों कुल भी कहा जाता है, सरसों कुल, यानी कि मस्टर्ड फैमिली कहते हैं। तो ये तो होगी दोस्तों इसके सामान्य नाम, कि क्रूसीफेरी कह दे, ब्रेसिकेसी कह दे, या सरसों कुल कह दे, ठीक है। इसमें और भी पौधे आते हैं, जैसे मूली है, राई है, तो वो सारे जो पौधे हैं वो इसके अंदर आते हैं। अब ये है कि हमें इस टॉपिक को करना कैसे है। तो दोस्तों, इसको करने का देखिए सीधा सीधा तरीका ये है कि हमें हर एक फैमिली का जो फ्लोरल फॉर्मूला है, पुष्प सूत्र है, वो हमें एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। तो आपको जो लिखना है ना, जो अपने को मुख्य रूप से ध्यान रखना है, देखिए अब इस टॉपिक को दो तरीके से करते हैं, एक तो पादप के कायिक लक्षण, और दूसरा होता है पादप के पुष्प क्रम, या यूं कहूं कि पुष्पीय लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पीय लक्षण, पुष्पीय लक्षण, ठीक है दोस्तों। यानी कि फ्लोरल जो करैक्टर है उसको ऊपर देखा जाता है। तो दोस्तों, अपने ये जो सूत्र जो आप देख रहे हो, इसी सूत्र को जहन में रखते हुए, इसी सूत्र को ध्यान में रखते हुए, हमें कंप्लीट जो उसकी थ्योरी है वो हम आराम से लिख सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें, फर्स्ट पॉइंट की बात करें, जैसे मान लीजिए पुष्प है, तो दोस्तों आपको इस डायग्राम और इसमें देखने पर क्या लग रहा है, क्या पुष्प के सभी भाग है या नहीं? चलो चेक करते हैं। देखिए, एक्टिनोमॉर्फिक है, द्विलिंगी है, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, एंड गायनोशियम, यानी कि एक पुष्प के चारों भाग है, चारों चक्र है। इट मींस पुष्प क्या है? पूर्ण। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे? पूर्ण, ठीक है दोस्तों। तो पुष्प क्या है? पूर्ण। देन और इसको देखने पर क्या पता चल रहा है? क्या है? पुष्प द्विलिंगी है ना। पुष्प क्या है? द्विलिंगी, पुष्प द्विलिंगी, अर्थात इसके अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों मौजूद है, क्लियर। चलो उसके बाद में बात करें, क्या दिख रहा है? ये त्रिज्या सममित, तो पुष्प हो जाएगा आपके त्रिज्या सममित, त्रिज्या सममित, क्लियर दोस्तों, है ना। तो देखिए, मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैंने केवल इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को देखा है, और साथ में थोड़ी बहुत हेल्प अगर ले सके तो अपन इस चित्र क्या ले सकते हैं। तो मैं आपसे पुनः कहना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों, कि अपने को पुष्प सूत्र हर एक फैमिली का याद होना चाहिए। उसी की सहायता से हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म जो है ना, इनका जो अर्ध तकनीकी विवरण बोलते हैं उसको, तो वो हम आसानी से लिख सकते हैं। मतलब ये वो टॉपिक है जिसमें हमें पूरा डिटेल से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इसी लाइन को मैं लिख करके बता रहा हूं, है ना, जैसे आपको बता रहा हूं इसी लाइन को, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी पादप या पादप समूह, समूह में पुष्प के सभी भाग, सभी भाग उपस्थित होते हैं, अतः इसे पूर्ण कहा जाता है। तो दोस्तों, इतनी लैंग्वेज लिखने का कोई भी औचित्य नहीं है, बात समझ रहे हो। देखिए, मैंने केवल एक वर्ड लिखा था स्टार्टिंग में, पूर्ण।
तो पूर्ण इस पूरे शब्दों को, पूरी लाइनों को कवर कर लेता है। पूर्ण का मतलब यही है कि इसके सभी भाग मौजूद है, बात समझ रहे हो। इसीलिए तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत शानदार टॉपिक है टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकरण, जिसमें हमें बहुत कम लिखना होता है, केवल पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है ना, और उसमें नंबर पूरे मिलते हैं अपने को। ये वो टॉपिक है जिसमें नंबर कटने की संभावना यूं कहूं तो न के बराबर है। आप कंप्लीट अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अगर आपको ये इसका जो बेसिक है, फंडामेंटल जो उसका नॉलेज है, वो अगर नहीं है तो दोस्तों इसमें नंबर भी नहीं आते। दोनों चीजें हैं, आप इसमें 100% नंबर स्कोर भी कर सकते हो और 100% पीछे भी रह सकते हो। तो मुझे पता है मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही इंटेलिजेंट है और हर एक वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक जो पहलू टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना। चलो तो इसको अपन हटा देते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों कि ये जो टॉपिक है ना, ये इतना इसमें लिखने की कोई नीड नहीं रहती, तो उसी चीज को हम एकदम शॉर्ट फॉर्म में यहां लिखा जाता है, राइट। देन अगर बात करें इसके बाद में, जैसे अपने देखें कि कैलिक्स कितने हैं, 2+2, कोरोला कितने हैं, 4, एंड्रोशियम 2+4, गाइनोशियम 2 एंड कार्पल्स आर फ्यूज, है ना। देखिए इसमें पुष्प द्विलिंगी, बाह्य दल जो है, बाह्य दल संख्या में 4 है। इधर देखिए 1, 2, 3 और 4, क्लियर। देन 2+2 के फॉर्म में, तो आप थोड़ा सा गौर से देखें कि ये फर्स्ट जो है, ये देखिए एकदम एग्जैक्ट बाहर है, एंड थर्ड नंबर एकदम से बाहर है, समझ रहे हो। एंड देन 2 और 4 जो है वो कंप्लीटली अंदर है ना। इसको क्रूसिव फॉर्म कहते हैं या क्रॉस फॉर्म कहा जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर 4 जो बाह्य दल है 2+2 के रूप में, यानी कि एक जो बाह्य दल है वो कंप्लीटली बाहर और ये भी कंप्लीटली बाहर, पीछे बचे जो 2 वो कंप्लीटली अंदर होते हैं, क्लियर। और ये जो पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखना, ये इसके मात्र अक्ष को दिखाता है। किसको दिखाता है ये? इसके मात्र अक्ष को। किसको दिखाता है दोस्तों? मात्र अक्ष को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मात्र अक्ष को, यानी कि मदर एक्सिस को, कि एक फ्लावर प्लांट के कौन से डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, यानी कि अग्र की तरफ या पश्चिम साइड में। तो ये उस चीज का सिंबल होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि कुर्सी फेरी का अपन एग्जांपल ले रहे हैं और उसमें आपको मैंने ये बताया है कि ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें इतना डिटेल से लिखने की जरूरत नहीं रहती। ओनली पॉइंट टू पॉइंट जो भी इसके फीचर्स हैं, जो भी करेक्टर्स हैं, उनको लिखा जाता है। जैसे एक हमने एग्जाम्पल दिया, जैसे फ्लावर, पुष्प है ना, तो फ्लावर इज कंप्लीट बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक, राइट। यानी कि पुष्प जो है पूर्ण है, द्विलिंगी है या आपके त्रिज्या सममित है, क्लियर। तो इस तरीके से हमें हर एक जो टॉपिक है उनको एकदम अच्छे से देखना है। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट। चलो अब हम बात कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है, जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है दोस्तों फैबेसी कुल। क्या है दोस्तों? कुल फैबेसी। तो दोस्तों फैबेसी जो है उसको आपको सिंपल भाषा में अगर बात करें तो आप उनको दाल फैमिली भी कह सकते हो, है ना। तो जितने भी दालें आपने देखी हैं, जैसे कि मूंग दाल, छिलका दाल, चना दाल, मटर, है ना, तो वो सभी जो हैं दोस्तों इस ग्रुप में आता है। किस ग्रुप में आता है दोस्तों? फैबेसी। किस में आता है? फैबेसी। और फैबेसी को ही दोस्तों कहा जाता है लेग्युमिनोसी कुल। तो चलो इनको देखते हुए अपन यहां बात करते हैं, है ना, इसको देखते हुए अपन यहां बात करें। तो देखिए दोस्तों, पौधा जो है, पौधा आपके सिंपल प्रकार का पौधा है ना, जिसमें जड़ तना पत्ती वगैरह होती है सारी, तो ये इसके कायिक लक्षण के अंदर काउंट किए जाते हैं, यानी कि वेजिटेटिव जो करैक्टर है उसके अंदर, इसमें जड़, तना और पत्ती, इसके बारे में चर्चा की जाती है। टैक्सोनॉमी में मुख्य रूप से जो अपन बात करें वो बात की जाती है दोस्तों अपने पुष्प के लक्षण के ऊपर, या इसको कहते हैं पुष्पीय लक्षण। तो पुष्पीय लक्षण में दोस्तों देखिए, अगर अपन बात करें पुष्पीय लक्षण में, अगर अपन बात करें तो आप जरा गौर से देखिए कि इसके अंदर 1, 2, 3, 4 और 5,
क्या है दोस्तों, पांच बाह्य दल है, है ना। तो बाह्य दल दिख रहे हैं हमें, तल भी दिख रहे हैं, राइट, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम कंप्लीट है। तो इसको दोस्तों हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो फ्लावर है ना, फ्लावर जो है ये क्या होता है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले बात करें तो फ्लावर है आपका द्विलिंगी। क्या है? द्विलिंगी। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इस फ्लावर को इस तरीके से कट करूं तो क्या सभी भाग बराबर हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे? आप इधर गौर करें, अगर मैं इसको यहां से कट करूं फ्लावर को ऐसे, यहां से मान लो कट कर दिया मैंने बीच में से, तो इक्वल पार्ट नहीं होंगे। वही अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूं यहां से मिड में से, तब हो सकता है कि इसके बराबर दो भाग बन जाते हैं ना। तो ये होता है आपकी एक्टिनोमॉर्फिक। क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपकी एक्टिनोमॉर्फिक इस तरीके से, यानी कि एक व्यास सममित, द्विलिंगी। अब बात करें बाह्य दल की, तो देखिए बाह्य दल को दोस्तों कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे? तो अभी हमने जैसे बात की है, बाह्य दल कितने दोस्तों? एक, दो, तीन, चार और पांच। क्लियर? तो ये दोस्तों आपके हो गए पांच बाह्य दल। अब देखें दोस्तों, ये जो बाह्य दल है ये आपके क्या है, आपस में जुड़े हुए होते हैं, है ना। क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तो वो इस तरीके से अपने यहां इसको सिंबल के रूप में बता दिया कि ये ऐसे। अब देखिए, अब बात करें अपने दल। तो देखिए दोस्तों, दल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी से, यानी कि कैपिटल सी। और अब इनकी यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जो दल है ना दोस्तों, जो दल है यानी कि पेटल्स है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशंस में होते हैं। उसको कहते हैं पेपिलियोनेट प्रकार का। क्या होते हैं ये? पेपिलियोनेट प्रकार का, है ना। इसको आप बटरफ्लाई भी कह सकते हो, तितली के आकार का बटरफ्लाई की तरह होता है ना। आप याद करें, दलों वाले टॉपिक में हमने बात की थी वैक्सिलरी टाइप का, है ना। देखिए दोस्तों, इसको हमने एकदम अच्छे से देखा है, इसमें वैक्सिलरी टाइप, इसके पीछे के जो वीडियोस है उस वीडियोस में हमने इस टॉपिक को एकदम अच्छे से देखा हुआ है। इधर देखिए, ये रहा, है ना। क्या था इसमें दोस्तों, कि एक जो दल है वो बड़ा, दो छोटे, और जो आखिरी वाले जो दो है वो भी आपस में छोटे बट जुड़े हुए होते हैं। उसको हमने क्या नाम दिया था, क्या कहा था? वैक्सिलरी, यानी कि आपके अम्ब्रेला कह सकती हो, जिसमें क्या अरेंजमेंट थी, 1+2+2 और लास्ट वाले 2 जो होते हैं वो आपके फ्यूज होते हैं। तो दोस्तों ये जो दल विन्यास है, इन दल विन्यास का भी आपकी वर्गीकरण के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो तो अपने वापस टॉपिक पर आते हैं। देखिए तो जो इसमें दल जो है, दल की व्यवस्था क्या है दोस्तों? दलों की व्यवस्था है दोस्तों 1, क्या अरेंजमेंट है दोस्तों, 1+2+2 और लास्ट जो 2 है वो आपके जुड़े हुए इस तरीके से, जो आप यहां देख सकते हैं। क्लियर? चलो अब बात करें, नेक्स्ट आता है आपके एंड्रोशियम। अब देखिए दोस्तों, एंड्रोशियम भी यानी कि पुंबक जो है, उसके अंदर जो पुंकेशर है, उसको आप इस डायग्राम में गौर से देखें कि इधर देखिए, ये आपके जो यहां पर है ना, 1, 2, 3, 4 जो आप कंटिन्यू जो देख रहे हो, है ना, ये कंप्लीट आपके यहां जुड़े हुए होते हैं। मतलब कि एक साइड में अलग होते हैं और बाकी ये एक अलग होता है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। तो ये जो 9 है, 9 आपके सामने एकदम एक ही रो में होते हैं और एक बेचारा अपना अलग होता है। एक क्या होता है? एक अलग से होता है। तो दोस्तों देखो, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, 1 ये रहा और बाकी सारे 9 अलग से हैं, है ना दोस्तों। तो इसको लिखा जाता है 1+9 और 9 को दोस्तों लिखा जाता है आपके ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि आप देखो, यहां देखें, 9 जो पुंकेसर है वो आपस में जुड़े रहते हैं इस तरीके से। 9 जो पुंकेसर है वो इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, एक पुंकेसर जो है वो आपके अलग होता है। इट मींस पुंकेसर 2 अलग अलग ग्रुप में होता है, 9 अलग ग्रुप में और एक आपका अलग ग्रुप में होता है। तो इसको दोस्तों लिखने का तरीका होता है 1+9 और 9 को ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलो फिर बात करें गाइनोशियम।
अब देखिए दोस्तों, गाइनोशियम गाइनोशियम केंद्र एक ही होता है आपके, क्या नाम है, बीजांड, है ना, और जो ओव्यूल अंडक है वो भी क्या होते हैं, एक तो आपकी ओवरी जो होती है इसमें सुपीरियर, तो ये आपके एक क्या नाम है, गाइनोशियम यानी कि अंडक। तो दोस्तों इसको देखते हुए, है ना, फ्लावर फ्लावर का जो ये डायग्राम है, फ्लोरल डायग्राम, और उसको देखते हुए हम आराम से इसको एक फॉर्मूले के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं, एंड देन फॉर्मूला को देख करके हम इसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ट्राई करते हैं, देखिए कैसे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि पुष्प, पुष्प, तो देखिए पुष्प क्या है दोस्तों, इसका पूर्ण या अपूर्ण, एक बार देख ले, देखिए देखिए देखकर बताए पुष्प पूर्ण है या अपूर्ण। पुष्प में दोस्तों सभी भाग है ना, चारों, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, सारे पार्ट मौजूद हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं दोस्तों पुष्प होता है आपके पूर्ण। पुष्प क्या होता है, पूर्ण, एक व्यास सममित, एक व्यास सममित, एक व्यास सममित, ठीक है, द्विलिंगी, 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 है ना, और पंचतई। कारण क्या है कि इसके अंदर जो संख्या है ना, इनके अंदर की जो संख्या है, इधर देखिए गौर से देखिए कि जो भी बाह्य दल है, संख्या कितनी है बाह्य दलों की संख्या 5 और दल की संख्या भी 5, लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग है, लेकिन फिर भी इसको हम एक साथ काउंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं पंचतई। क्या कहते हैं दोस्तों, पंचतई, ठीक है। अब अगर दोस्तों इनकी संख्या अगर 3-3 हो तो इसको बोलते हैं त्रितई, है ना, यानी कि पेंटामर्स, टेट्रामर्स, ट्राइमर्स, तो ये इनके काउंटिंग पर निर्भर करता है। देन पुष्प के बाद में बात करें बाह्य दल, जिसको कैपिटल के से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बाह्य दल के रूप में बात करें तो बाह्य दल की संख्या कितनी है, 5, तो 5 बाह्य दल, यानी कि जो सेपल है वो कितने होते हैं क्वांटिटी में, 5, क्लियर। देन जुड़े हुए हैं तो संयुक्त, कोर स्पर्शी या कोर छादी, है ना, तो ये हो गया आपके कोर स्पर्शी, क्या इसका विन्यास है ना, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। देन देखिए, तो बाह्य दल हो गया, उसके बाद में बात करें दल, नेक्स्ट बात करें तो दल को कैपिटल सी से लिखा जाता है, तो इसमें बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों दलों की संख्या कितनी थी, 5, तो 5 दल, राइट, जो कि कौन सी व्यवस्था में, 1+2+2 फ्यूज, है ना, तो इसमें अपन यूं लिख सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स है पेपिलियोनेट या वैक्सिलरी दल विन्यास, वैक्सिलरी दल विन्यास, जिसको आप पेपिलियोनेटी क्या कह सकते हो, पेपिलियोनेट भी कह सकते हो या पेपिलियोनेसी भी कह सकते हो ना, तो पेपिलियोनेट टाइप का, राइट। देन दल दल 1+2+2 की व्यवस्था में, ठीक है दोस्तों। चलो उसके बाद में बात करें आपके पुंकेशर या पुमंग, यानी कि एंड्रोशियम, कैपिटल ए से लिखा जाता है, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें पुंकेसर 1+9 की व्यवस्था में पुंकेसर कौन सी व्यवस्था में होते हैं दोस्तों, 1+9 की व्यवस्था में, है ना, यानी कि 9 जो होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और ये क्या होता है आपके फ्री होता है ना। चलो उसके बाद में बात करें, तो देखिए उसके बाद में अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, अंतर्मुखी,
अंतःमुखी। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो पराकोष है, पराकोष जो है वो फटता कहां है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। तो अंदर की तरफ फूटे इसको अंतःमुखी कहते हैं, यानी कि इंट्रोवर्ट्स कहते हैं, है ना। चलो उसके बाद में बात करें तो आपके हैं जायांग, जायांग यानी कि गायनोशियम, ठीक है दोस्तों। तो गायनोशियम की बात करें तो अंडक है ना, अंडक जो है वो कितने होते हैं, एक अंडपी, एक अंडपी है ना, एक अंडपी। और ओवरी क्या होती है दोस्तों, सुपीरियर, क्या होती है, उद्धव, उद्धववर्ती। तो ये जो है फीचर्स वो अपने किसमें लिखा जाता है, वो अपने लिखा जाता है दोस्तों जायांग यानी कि आपके गायनोशियम में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बीज, बीज और जो फल है वो भी इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, लिखा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो अगर अपन बात करें तो एक फ्लोरल डायग्राम के अंदर है ना, एक फ्लोरल कैरेक्टर के अंदर अपने को डायग्राम बनाना होता है, और अपने को इसके अंदर जो इसके पुष्प सूत्र और पुष्प के जो कैरेक्टर है उनको यहां पर लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये आज का जो ये टॉपिक है एक फैबेसी फैमिली का, वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर जो टू फैमिलीज है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।